दिल्ली के दो पाप, एक भाजपा और दूसरा आप, इन लोगों ने दिल्ली की ऐसी की तैसी कर रखी है। बुराड़ी विधानसभा के वार्ड नंबर 21 जहांगीरपुरी में गंदगी से बुरा हाल। आपको बता दें कि वार्ड नंबर 21 में स्थानीय विधायक व निगम पार्षद दोनों ही आम आदमी पार्टी के हैं, जिसमें की सफाई व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें तो कहते हैं, लेकिन इन दोनों के ही एरिया में गंदगी से बुरा हाल है। लोगों का कहना है कि हम जब से इस जहांगीरपुरी में आए हैं या जब से ही इस तरह की गंदगी यहां फैली हुई है, जिसमें कि काफी सरकारें आई, निगम पार्षद बदले, लेकिन सफाई व्यवस्था वैसी की वैसी ही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमारे बच्चों का जीवन बचपन से ही नरकीय जीवन जैसा है, जिसमें रोड में चलते वक्त बदबू व ट्रैफिक का भी सामना कर रहे हैं। अक्सर जाम की जो समस्या है वह जहांगीरपुरी के PWD के सभी रोड पर एंक्रोचमेंट के चलते यह जाम लगता है, जिसमें कि प्रशासन यहां पर सुस्त बैठा है, जिसमें कि लोगों को शाम के वक्त जा का सामना करना पड़ रहा है। सर आपका नाम? मेरा नाम नरेश धवन है। सर जहांगीरपुर में जो PWD का नाला, इसके नाले की जो स्थिति है वो किस तरह की है, सफाई व्यवस्था कैसा है? जी सफाई व्यवस्था तो आपके सामने है, नाला आपके सामने, आप देख सकते हो इसमें कितना गंद भरा हुआ है, और ये आज से नहीं है, बहुत दिनों से इसी तरह से भरा हुआ पड़ा हुआ है। आप बच्चे इसके ऊपर खेलते रहते हैं, किसी दिन कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। जहांगीरपुरी में PWD का जो रोड है, इस पर जाम की भी काफ़ी समस्या है। जाम की जो रोड पर ज़्यादा एंक्रोचमेंट जो देखने को मिल रही है, इसके बारे में आप क्या? एंक्रोचमेंट तो देखो हर तरफ ये गाड़ियाँ बेतरतीब खड़ी हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कूड़े वाले लोगों ने घेरा हुआ है सब कुछ। इसके तो बहुत बार कंप्लेंटें भी हो चुकी हैं, लेकिन आज तक कुछ इसका सोल्यूशन निकाला नहीं गया है। लगभग कितने सालों से ये समस्या? ये तो जहांगीरपुरी जब से बसी है तब से हो रहा है, बहुत बुरा हाल है इस समय। प्रशासन इस पर काम करना नहीं चाहता या फिर वैसे ही कोई बात है? प्रशासन लापरवाही बरतता है, अभी बारिशों का सीज़न भी आने वाला है, उसमें देखो ये नालों की बुरी हालत है, और ज़्यादा यहाँ सारी नालियाँ जाम हो जाएंगी, सभी तरह से कूड़ा भरा हुआ चारों तरफ। काफ़ी लंबा ये नाला है जो जहांगीरपुरी, ये PWD का नाला है जी, बहुत बड़ा नाला है, पूरी जहांगीरपुरी में चारों तरफ घूम रहा है, और ये सारा का सारा लगभग भरा हुआ है, आप कैसे कहीं भी देख सकते हैं। बीमारी जो फैलने का खतरा वो भी लगातार, देखो इतनी बड़ी महामारी चल रही है उसके बावजूद भी इसकी सफाई नहीं हो पा रही, तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी है। तो भी MCD का भी जो काउंसलर यहाँ पे वो भी आम आदमी पार्टी के हैं, तो देखो प्रशासन में तो MCD भी आती है और PWD भी आती है और दिल्ली सरकार भी आती है, तीनों का ही जिम्मा है, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। सबसे पहले अपना नाम और डेजिग्नेशन बताइए। मेरा नाम देवेंद्र कुमार काकू है, मैं मुकुंदपुर वार्ड से कांग्रेस का प्रत्याशी रहा हूँ। कि सफाई को लेकर तो पूछो ही मत, सफाई तो कभी हुई नहीं, यहाँ के लोगों को तो अब आदत सी पड़ गई है गंदगी में रहने की। देखिए कितना बुरा हाल है, और कूड़ों के ढेर लगे हुए नाले, पता नहीं कितने सालों से जाम ही जाम है, कभी सफाई हुई नहीं है। शायद इस पर कोई कुछ गिर जाए तो मिलने की तो छोड़ो, दिखता भी नहीं है, इतना बुरा हाल है गंदगी का। अब जो है ना, लोग मजबूर हो चुके हैं, उनको आदत पड़ चुकी है बदबू सूंघने की। और मैं तो ये कहता हूँ, दिल्ली के दो पाप, एक भाजपा और दूसरा आप, इन लोगों ने दिल्ली की ऐसी की तैसी कर रखी है, ना तनख्वाह देते हैं बेचारे कर्मचारियों को, और ना ही उन्हें कोई सुविधा मिलती है, उनको पेल के रखते हैं, लेकिन कोई सफाई नहीं है, कुछ नहीं है, हर तरफ गंदगी गंदगी। मान लो किसी बेटी बहन का रिश्ता होना है तो पहले उसके ससुराल वाले आके कूड़े के ढेर देखते हैं, वो रिश्ते टूट जाते हैं, इस तरह की सूचनाएं भी हमारे पास आई हैं। देखिए उसके बावजूद भी जैसे भाजपा से आम आदमी पार्टी के संजीव झा जी यहाँ से MLA हैं, और अजय शर्मा जी यहाँ से काउंसलर हैं, और स्टैंडिंग कमेटी में वो मेंबर भी हैं, इसके बावजूद भी जो जहांगीरपुरी और मुकुंदपुर का हाल है ना, इतना बदतर है कि कुछ कह नहीं सकते। हर तरफ गंदगी है, हर तरफ बदबू है, मक्खी मच्छर है। आप समझ रहे हैं कि गर्मी आ रही है और यहाँ बीमारियों की महामारी शुरू हो जाएगी, और कोई व्यवस्था नहीं है। तमाम मुद्दों को नज़र रखते हुए जो यहाँ के काउंसलर हैं वो बात उठाते रहते हैं समय समय पर, लेकिन अपने ही वार्ड में सफाई व्यवस्था को इतनी गंदी है उनके में, तो इसमें आगे क्या करें? देखिए बातें करना एक अलग बात है, काम करना एक अलग बात है। आप कहीं खड़े होकर बात कर लो कि हम सफाई व्यवस्था देख रहे हैं, आप कूड़े के खत्तों को देखते हो, खत्तों पे नहीं अपने वार्ड पे ध्यान दो ना, अपने वार्ड को साफ रखो। यहाँ के लोगों ने आपको चुना है, यहाँ के लोगों ने आपको वोट दिया है, उनके बारे में तो बिल्कुल भी सोच नहीं रहे हैं ये। तो अगले साल इलेक्शन है, तो उसमें भी क्या यहाँ की जनता दोबारा से उनको काउंसलर बनाने की कोशिश करेगी या फिर और किसी पार्टी को चुनेगी? देखिए जहाँ तक मैं समझता हूँ, इतनी गंदगी और इतनी दिक्कत झेलने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि
जनता यहाँ की आम आदमी पार्टी को पसंद करेगी।